राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का तिवारी फैमिली के व्लॉग में। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के बारे में, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का व्लॉग। कार्तिक मास जो हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना है, विशेष रूप से पूजा, व्रत और धार्मिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास में कुछ विशेष दिन भी होते हैं, जैसे कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। कार्तिक मास में हमें सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, पवित्र नदी या कुंड में नहाना चाहिए, मंदिर जाकर भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, दिया जलाना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत रखने की प्रथा है। आप एक दिन का भी व्रत रख सकते हैं या फिर पूरे महीने का भी रख सकते हैं। गंगा जल से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास के महीने में ढेर सारा नाम जाप करें, दीपदान करें, गरीबों को खाना खिलाएं, उन्हें उपहार दें, ये सारी चीज़ें जो हैं शुभ मानी जाती हैं। कार्तिक मास के इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। कार्तिक मास का नाम कार्तिक शब्द से लिया गया है, जो संस्कृत में कृष्ण का एक रूप है। कार्तिक मास में साधना, ध्यान और भक्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है, जिससे लोग अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं तो बस आपसे इतना ही कहूंगी कि इस महीने में जितना हो सके उतना भगवान जी का नाम जाप करिए, भजन कीर्तन करिए, भजन गाइए, घर में कीर्तन करिए, सत्संग करिए। हो अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, तेरी मुरली की हो, तेरी मुरली की, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले श्याम। दोस्तों, आपको ये भजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे लॉग आउट किया और फिर मैं पापा के साथ चल पड़ी दुकान, क्योंकि हमें करवा चौथ के लिए शॉपिंग करनी थी। जो भी ज़रूरी सामान था वो सब कुछ लिया। दुकान में बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि खूबसूरत सी थाली, पूजा का सामान, चूड़ियाँ, मेहंदी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। पूजा का जितना भी सामान था बहुत ही ध्यान से हमने चूज़ किया, बिकॉज करवा चौथ का दिन हर एक औरत के लिए बहुत ही खास होता है। जब सब चीज़ें लेकर हम घर वापस पहुँचे तो मन में एक खुशी थी कि इस बार का करवा चौथ माँ के लिए एकदम खास बनाना है। जैसे ही दुकान से बाहर निकले, अचानक से पापा की गाड़ी ख़राब हो गई। हम दोनों थोड़े से परेशान हो गए थे, फिर हमने गाड़ी को ठीक कराया और उसके बाद हम घर पहुंचे। दोस्तों, कुछ ऐसा गया हमारा कार्तिक मास का पहला दिन और करवा चौथ की शॉपिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और तिवारी फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय माता दी।